तो अभी मैं फाइनली मंदिर से आ गई हूँ और पूरे अलना पे इसी तरीके से कपड़ा फैला हुआ है। रात में कुछ नहीं संभाला था और अभी घर का पूजा भी थोड़ा बहुत बाकी है तो वो कर लेते हैं। सब्जी बन चुकी है, आप लोग देखिएगा, और शाम का भी कुछ मैं अपना प्रेजेंट करूँगी कि मैंने क्या किया है। तो चैनल पे ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिए, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिए। तो मिलते हैं फिर शाम में, और जब वीडियो अपलोड हो जाएगी तो देखिए कि मैं कैसे सारा कुछ मेंटेन करती हूँ। अभी सुबह का समय है, बहुत सवेरा है, तो वही रोज़ का एक ही जैसा सीन रहता है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और इधर मैं किचन में चली आई, केले की सब्ज़ी बनाने के लिए मेथी जीरा का फ़ोरन दिया है, अब डालूँगी इसमें तेज़पत्ता, और करक रहा है फ़ोरन, अब इसमें डालेंगे केला, और केला को इसी तरह गोल गोल काटना है, और सब्ज़ी बनेगी बहुत टेस्टी। देखते हैं कैसी बनती है। लहसुन डाला, प्याज डाला, कश्मीरी मिर्च, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और थोड़ा सा ये सरसों। अब सारे मसाले को पीस लेंगे अच्छे से। अब केला भुन रहा है, इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे, नमक डालेंगे तो और अच्छे से चलाएंगे, थोड़ा ढक ढक के भूनेंगे तो और अच्छा होगा। और ये हमारा भुन के तैयार है, प्लेट में निकाल लिया। अब फिर से कढ़ाई में तेल में राई का फ़ोरन डालेंगे, और इसमें डालेंगे थोड़ा तेज़पत्ता, मसाला डालेंगे, खूब अच्छे से भुनेंगे। एक बार अच्छे से भुनने के बाद जब लगने लगेगा हल्का सा पानी देंगे, इसमें नमक देंगे। मसाला में नमक डाल के भुनने से सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनती है। दही डाला, थोड़ा और मिलाएंगे, खूब बढ़िया से भूनते चलेंगे। मसाला जितना भुनेंगे उतना हमारा सब्ज़ी टेस्टी बनेगा। तो इस तरीके से मसाले को चलाते रहें, अच्छे से चलाएं। थोड़ा पानी दे दिया फिर मैंने, और थोड़ा चलाते रहे ताकि अच्छी खुशबू आने लगे। केला को डाल दिया, अच्छे से इसको एक बार चला लीजिए, फ्लेम को थोड़ा कम कर लीजिए, सब्ज़ी भूनते रहिए बीच बीच में, और घर का सारा काम भी करते रहिए क्योंकि मुझे तो स्कूल की हड़बड़ी रहती है, सब कुछ देखना पड़ता है। हल्का सा पानी दे दिया, फिर भून लिया और फिर हल्का सा चला लिया, सब्ज़ी का कलर खुद अच्छा आने लगेगा। और डाला इसमें मैंने पानी, थोड़ा और डाला क्योंकि आज ये बनेगी पतली रस वाली सब्ज़ी। पीहू को उठाने जा रही हूँ स्कूल के लिए, ये उठ ही नहीं रही है। इधर साना आटा, आटा गूँथ लिया मैंने, जल्दी जल्दी आटा गूँथ करके थोड़ी देर इसको चंगेरी से ढक के रख देंगे। हम लोग उसको चंगेरी बोलते हैं बांस वाले को, उसे ढक देंगे। सब्ज़ी एक बार चला के देख लिया मैंने, अब डालेंगे लास्ट में टमाटर। लास्ट में टमाटर डालने से वो गलत, पहले अगर डाल दीजिएगा तो नहीं गलता है सब्ज़ी, इसीलिए बाद में डालती हूँ। ये लगा फ़ोरन बढ़िया से, जीरा और तेज़पत्ता का करकदार फ़ोरन। सब्ज़ी का कलर बहुत ही सुंदर आया है और इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। कोई ज़्यादा कोई भी बाहरी मसाला सब्ज़ी में मैं यूज नहीं करती, कोशिश करती हूँ जो घर में रेगुलर मसाला होता है उसी से सब्ज़ी बनाऊँ, और सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनती है। आप लोग भी, आप लोगों को भी इनवाइट करती हूँ, आइए खाइए, इंजॉय करिए। और चली मैं मंदिर के लिए, स्कूटी स्टार्ट किया मैंने और स्कूटी से चली जाती हूँ मंदिर, फटाफट भगवान का दर्शन कर लेती हूँ, नज़दीक में ही है मंदिर। और इधर अब शाम का टाइम है तो ट्यूशन बच्ची पढ़ रही है, और इधर मैं कुछ वर्क दे रही हूँ, हस्बैंड मैथ्स ले रहे हैं और मैं इधर कुछ वर्क दे रही हूँ, ये लोग पढ़ लेंगे, उसके बाद फिर कुछ और शाम का काम करेंगे। वीडियो बहुत लंबा हो जाता तो बस वीडियो को यहीं मैं अंत कर रही हूँ, शाम का कुछ सीन है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूले। बाय बाय।